आजे। हेलो आदिया, मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, वहाँ फौरन पहुँचो। एड्रेस कौन सा? हेलो हेलो, फोन काट दिया। हेलो जय, हेलो जय, अरे क्या हो रहा है ये सब? जय मुझे इस एड्रेस पे क्यों बुला रहा है? मन कर दिया। मैसेज छोड़ देती हूँ। मैसेज भी नहीं जा रहा, क्या हो रहा है ये सब? कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है जय? घर फोन करके देखती हूँ, लेकिन बात किससे करूंगी? अब क्या करूं, किससे पूछूं जय के बारे में? सर सर सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जय मित्तल अपनी बाहों में एक लड़की को लेकर बाहर आ रहे हैं। ये जय के साथ कौन लड़की है? हम मैं भी अभी वही देख रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है सब? सर जिला पर करते हैं, बदतमीजी नहीं है? मीडिया पर हाथ उठाने का मतलब जानते हैं आप? बदतमीजी नहीं कर सकते। वैसे ये लाइट्स क्यों बंद है? दूसरे की जिंदगी में अंधेरा करने वालों की लाइफ में भी लाइट नहीं रहती। जिस एड्रेस पे पहुंचना होगा। मैंने तो अचानक से फोन करके एड्रेस दे दिया, पर मैं इतनी देर से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे, मैसेज नहीं कर रहे। यार आंखें जल रही है, कुछ दो यार। मेरी आंखें पता नहीं क्या डाल दिया मेरी आंखों में। ये लो ये लो ये लो। और चाहिए? दो ना। मेरी आंखें बहुत जल रही है, कुछ हो गया मुझे। मुझे यहाँ क्यों दिखाई नहीं दे रहा? मैं अंधा हो गया। ये घर किसका है? अरे यार छोड़ो ना, सॉरी क्वेश्चन। फूंक मारो, आप फूंक मारो मेरी। अरे यार और चल रहा है मेरी आंखों। खुलोगी भी कुछ? क्यों बुलाए यहाँ पर? और ये घर किसका है? घर रागिनी के बारे में कुछ पता चल रहा है? अरे यार पहले सीबीआई में थी, कैसे पूछा जा रही है, पूछा जा रही है। मेरी आंख जल रही है, पता नहीं कहाँ क्या क्या था। जे अरे यार स्टेन गन ले लो अपनी, सारे सवालों की कुछ कुछ पूछे जा रही हो। ये सब क्या है? ये घर किसका है पहले तो ये बताओ। अरे हमारा घर है, हमारा घर है।
हमारा घर? हम बिना शादी के एक साथ इस घर में रहेंगे? God. यार तो बहुत हो गया ना साफ सुथरा, अभी थोड़े अपने हाथ भी गंदे करो। ये जो है लव बर्ड है ना जय और आद्या, गड़बड़ लग रहा है मुझे। एक काम कर, कल सुबह जय और आद्या का झगड़ा जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहता हूं। चलो जाओ 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 काम पे लग जाओ। को हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। लेकिन तुम तो सुपर वुमन हो यार, तुम्हें तो मैं बॉडी गार्ड रख लूं। छे यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है? हाँ तो मैं भी कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। क्या हो गया आधा? अरे घर है, किराए पे लिए, इसमें क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? क्या है? हाँ छे प्रॉब्लम ही तो है। क्या प्रॉब्लम है? छे ऐसे कैसे यहाँ पे रह सकते हैं? और माँ पापा हम सबसे झूठ बोलेंगे। हाँ छे हम ऐसे कैसे? अरे हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते, घर पे नहीं मिल सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने घर के किराए पे लिया मिलने के लिए। इसमें गलती क्या? गलती तो है जे, हम ऐसे कैसे लिव इन में रह सकते हैं? आध्या अब हम कोई बच्चे नहीं, एडल्ट्स हैं, और वैसे भी लिव इन इंडिया में लीगल हो गया, पता ना? लेकिन जे हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं करती और हम इतने भी मॉडल नहीं हुए। हाँ तो यही तो सोच बदलनी है ना हमें। हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपनी अप्रोच नहीं बदलेंगे तो आगे जनरेशन कैसे बदलेगी? जे फालतू की बहस मत करो। फालतू की बहस मैं भी नहीं कर रहा हूँ, एकदम सही बात कह रहा हूँ। इसमें सही क्या है? आद्या मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अपने सारे मोमेंट्स कैप्चर करना चाहता हूँ, तुमसे हर एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, जुलना चाहता हूँ। लेकिन आजकल जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है ना उसकी वो इतना मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी सेफ नहीं है। कभी तुम्हारे घर पे कुछ हो रहा है, कभी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कभी मेरे साथ कुछ हो रहा है। इसलिए मैं अपना हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पता नहीं कल मैं रहूं कि ना रहूं। में जिएंगे भी और बूढ़े भी साथ में ही होंगे और सबका टाटा भाई भी साथ में ही कहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। पहले हम सबकी परमिशन लेंगे, उसके बाद जय, क्योंकि ऐसे छुप छुपा कर मिलना ये सब हमें खुद को ही बहुत इनकम्प्लीट लगेगा। तुम समझ रहे हो ना? मैं सब समझ रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, यहाँ पे नहीं रहने वाले हम 24 घंटे, ये खाली कभी कभी मिलने के लिए कर लिए।
जय, ये मैंने तो कभी थॉट्स में भी नहीं सोचा था कि वो पाली का पासा की चप्पल दैट आद्या किस लेवल तक गिर जाएगी। पर हुआ क्या मॉम? देख उसे तेरे लिए फेसबुक पर क्या रॉन्ग रॉन्ग लिखा है। पर बेटा जी, जय मित्तल इज अ वुमनाइजर और इसी वजह से मैंने उसके साथ अपनी सगाई तोड़ी। आगे भी है, जय मित्तल लड़कियों को टॉय समझता है, वो कैरेक्टरलेस है और रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मैंने उसे सगाई तोड़ दी। सुना, सारे लिमिट्स क्रॉस कर दिए, मैं उसे लीव नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। करण रागिनी, छोड़ूंगा तो मैं नहीं तुम्हें, आई नो ये सब तुम दोनों का किया करा है। जय, आध्या को फोन लगा मुझे उससे बात करनी। दादू छोड़ा, जो भी हुआ अब जो जैसी जिसकी सोच हो वैसा ही करेगा ना उसको। फोन लगा उसे। लगा फोन लगा पाओ जी, एंगर है। जी 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 मेरे नाम से कौन पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे? जी मैं कर दे। हेलो, जो भी उस दिन हुआ मैं तुमसे गुस्सा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि इंसान बुरा या गलत नहीं होता, कभी कभी हालात ठीक नहीं होते। मैं तो ये सोचता था कि तुम जैसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी सोच ने मेरी वो उम्मीद भी तोड़ डाली। मैंने ये सब नहीं किया है, कैसे बताऊं आपको, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। मुझे पता है मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज की डेट में मुझे आद्या पर इतना ट्रस्ट है कि मैं मित्तल फैमिली की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आद्या को हैंड ओवर करती हूं। आधा बेटा, ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। दादाजी इसकी क्या जरूरत थी? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, ये रुपीज ले जाकर सेफ में रख दो, तिजोरी में। तो कमजोर नहीं पड़ सकते, इससे पहले कि करण और आग्नि और प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, उनका सच सामने लाना ही होगा। अपने घर पर जाओ जल्दी। मैं ना कुछ लिखूंगी इसके बारे में। नहीं नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ मत करो, आप टेंशन मत लो, मैं हूं। अब वो ना जानती नहीं है उसने पंगा किससे लिया, जय मित्तल से। जय मित्तल के बारे में उसने कुछ कहा है? हाँ? अब देखना उसको पता लगेगा कि ये जय मित्तल है क्या चीज। अब मैं शाबाश शाबाश, अब बताता हूं उसे मैं।
एजेंट। हाय करण। ठीक नहीं भी है एक्चुअली। डोंट हेजिटेट, जो जो भी बोलना साफ साफ बोल। जय शुभांकर अंकल, मेरी और आदिया की शादी करना चाहते हैं। ठीक सुना तुमने। एक्चुअली सच कहूं तो मैं यहां आद्या से शादी करने के लिए ही आया था। शुभांकर अंकल ने मुझे इसीलिए बुलाया था। जब मैं यहां आया और मैंने देखा कि आप और आद्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो लगा कि आप दोनों के प्यार के बीच में मुझे नहीं आना चाहिए। सो एंड आई पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट स्टोरी। मत कैसे हुई? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? आज सुबह मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे और इन्होंने मुझे उन गुंडों से बचा। I'm Karan, Karan Sharma. Okay. And that's my sister, Ragini Sharma. Karan और Ragini, याद है तुम्हें मैजिक शो और वो जो रोड पे मिले थे? हाँ हाँ। वो हमारे घर पे रह रहे हैं। तुम्हारे घर पे रह रहे? क्यों, कहाँ से? अरे वो करण, तू व्हाट करेगा और व्हेन करेगा, लेकिन इस बात को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। सोशल मीडिया पे मेरे बेटे का नाम स्पॉइल किया ना, तो मुंह तोड़ आंसर भी वही मिलेगा। वेट एंड वॉच। आद्या वर्मा करण शर्मा को डेट कर रही है और उसने ये टांका अपनी एंगेजमेंट से पहले ही जोड़ लिया था। मास्टर प्लान था उसका। सगाई हियर, शादी देर, ताकि बोथ साइड से पैसे लूट सके। पर जब द फेमस रूपा मित्तल को नहीं लूट पाए, तो उसके इनोसेंट बेटे पर रॉन्ग रॉन्ग इल्जाम लगा दिया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.